दोस्तों, आप अगर एक यूट्यूबर है या यूट्यूबर बनना चाहते हैं या आपके पास एक ऑलरेडी चैनल है जो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है, फिर भी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारा चैनल कोई हैक ना कर ले, या मेरा चैनल बहुत ग्रो हो चुका है फिर भी मेरा चैनल अगर कोई हैक कर लेगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे पूरे मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों, आप यूट्यूब में नए हो या पुराने, तो चैनल हैकिंग का प्रॉब्लम तो बहुत दिन से चल रहा है। तो मैं आपको कुछ टिप्स और प्रिकॉशन बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप चैनल हैकिंग से बच सकते हैं। दोस्तों, ऐसा लग सकता है मेरे वीडियोस में व्यूज नहीं है, चैनल में सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो मेरी जानकारी कोई काम की नहीं होगी। मानिए दोस्तों, छोटी सी छोटी जानकारी बहुत काम की होती है, शायद मेरी जानकारी आपके चैनल को बचा सके, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे शुरुआत से शुरू करते हैं। आप अगर एक नया चैनल क्रिएट करना चाहते हैं यूट्यूब में, आप यूट्यूब में नए हो, तो आप सबसे पहले एक जेन्युइन आईडी से अपना सिम कार्ड खरीदिए, फिर उसी सिम कार्ड से जीमेल आईडी बनाइए, फिर उसी जीमेल आईडी से एक अकाउंट क्रिएट कीजिए यूट्यूब में। लेकिन दोस्तों, जेन्युइन होना चाहिए। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके जीमेल आईडी का पासवर्ड रिसेट या टू स्टेप वेरिफिकेशन का ओटीपी किस में जाएगा, आपके उसी फ़ोन में जिस फ़ोन से आप जीमेल आईडी क्रिएट किए हैं। तो उस नंबर और उस जीमेल आईडी को किसी को शेयर मत कीजिए दोस्तों, किसी को भी नहीं, अपने दोस्तों को भी नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसे फालतू चीज है। लेकिन कल के डेट में जब आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, आप यूट्यूब से हजारों लाखों रुपए कमाएंगे, तब आपके लिए एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो अपने यूट्यूब का जीमेल आईडी और फोन नंबर किसी के साथ शेयर मत कीजिए। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन क्या आता है कि आप एक नया नंबर लीजिए, उससे एक नया जीमेल आईडी क्रिएट कीजिए, उसी जीमेल आईडी को आप दूसरों से शेयर कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा टिप्स है, जैसे कई कई बड़े यूट्यूबर है जो अपना जो यूट्यूब अकाउंट है वो एक पीसी में यूज करते हैं और जो बाकी दूसरा काम है उसके लिए दूसरा कंप्यूटर होता है, लेकिन हमारे पास तो इतना बजट है नहीं, तो हम क्या करें। तो दोस्तों, आप जिस पीसी में अपना जीमेल आईडी लॉगिन करके रखे, तो उस पीसी में आप दो ब्राउजर यूज कीजिए। जैसे कि आप यूट्यूब के लिए क्रोम यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ यूट्यूब के लिए क्रोम ही यूज कीजिए, वहां पर फालतू कोई भी दूसरे साइट जिससे आप कोई भी काम करते हैं, जिससे बीच बीच में आपके सामने कुछ कुछ विंडो पॉपअप हो जाता है कि आपका विंडो स्लो हो गया वगैरह वगैरह कुछ भी, ये सब कोई भी मिसलेनियस साइट अपने उस ब्राउजर में ओपन मत कीजिए। आप दूसरा ब्राउजर ऑप्शन में रख सकते हैं, जैसे कि फायरफॉक्स, तो उसमें बाकी सारे ब्राउजिंग काम आप दूसरे ब्राउजर में कीजिए, लेकिन आपका जो मेन ब्राउजर है जिसमें आप यूट्यूब अकाउंट क्रिएट करके रखे या लॉगिन करके रखे, उसके अंदर कोई भी दूसरा साइट ओपन मत कीजिए। ये दोस्तों, आप ब्राउजर कोई भी यूज कीजिए, लेकिन जब आप पासवर्ड रिसेट या लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड सेव का एक ऑप्शन आता है कि ब्राउजर आपसे पूछता है कि आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैं सेव करके रखूं, तो उसको हमेशा के लिए नेवर कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आप अपने ब्राउजर में गलती से भी कभी लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेव करके रखते हैं, तो क्या होता है, कभी भी कोई हैकर बाईपास आपके ब्राउजर में घुस जाता है, तो यहाँ पे उसको आपके लॉगिन आईडी का पासवर्ड और डेटा मिल जाता है, तो आप कभी भी सेव मत करिए। दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन की बात आती है, तो आप सिर्फ एक ही पीसी यूज कीजिए, बाकी आप कहीं भी बाहर जाके कहीं भी लॉगिन मत करिए, कोई भी दूसरे जैसे कि साइबर कैफे या कहीं भी जाके अपने चैनल को लॉगिन मत करिए। आपको अगर खुद पे भरोसा है कि कल के डेट में मेरा चैनल बहुत ग्रो करेगा, आपका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो ऑलरेडी हो चुका है, तो आप कहीं भी बाहर जाके अपना चैनल को लॉगिन मत करिए। जब भी आप अपने ब्राउजर को क्लोज करते हैं और रीओपन करते हैं और आप अपने चैनल को ओपन करते हैं, तो अपने चैनल को पुराने हिस्ट्री से ओपन करिए या फिर अपने चैनल को बुकमार्क करके रखिए और उसी जगह से आप अपने चैनल को ओपन करिए, या फिर अपने हिस्ट्री से जीमेल आईडी को खोलिए या फिर जीमेल आईडी को भी बुकमार्क करके रखिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आज के डेट में फिशिंग बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कि आप जब भी अपने चैनल या जीमेल आईडी को लॉगिन करने जाएंगे, आपके सामने सेम एकदम सेम गूगल जैसा विंडो खुलेगा जिसका एड्रेस अलग हो सकता है, लेकिन आपको सेम इंटरफेस वाला विंडोज देखने को मिलेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है। तो आप जब अपने आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करेंगे, तो पूरा डेटा जो हैकर फिशिंग कर रहा है उसके पास चला जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे तीसरा टिप है, जैसे कि आप अपने दोस्तों या किसी दूसरे इंसान को अपने लैपटॉप और फोन का पासवर्ड शेयर मत करिए। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है,
तो उसने क्या किया, अपना अच्छा खासा चैनल ग्रो किया। उसके बाद वो बंदा क्या करता था, अपने फोन में पासवर्ड नहीं रखता था। आज के डेट में फोन में कौन पासवर्ड नहीं रखता है, वो बंदा नहीं रखता था। एक दिन क्या हुआ, वो कॉलेज गया, उसके बैग से उसका एक दोस्त उसके फोन को निकाल लिया और कुछ ही घंटों बाद उसके चैनल से सारे वीडियो डिलीट हो गए। तो यहाँ पे मेन मुद्दा क्या था, जलन। उसको जलन हुई कि मेरा दोस्त ग्रो कर रहा है, मेरे सामने ग्रो कर रहा है, तो उसके पूरे चैनल को डिस्ट्रॉय कर दिया। उस बंदे को अपना चैनल तो वापस नहीं मिला, बाकी वो बंदा एक नया चैनल चालू किया है जिसका ग्रोथ अपने पुराने चैनल जैसा तो है नहीं। लेकिन दोस्तों, आप अपने फ़ोन में पासवर्ड ज़रूर रखिए और अपने फ़ोन का पासवर्ड और लैपटॉप का पासवर्ड अपने दोस्तों से शेयर मत करिए। अगर दोस्त को लैपटॉप देना ही है तो अपने दोस्त को गेस्ट यूज़र वाला विंडो खोल के दीजिए। तो दोस्तों, चौथा प्रीकॉशन, आप अगर कोई जीमेल आईडी क्रिएट किए हैं तो अपने जीमेल आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन जरूर रखिए। जी दोस्तों, आप जब भी अपने जीमेल आईडी को पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे तब आपके फ़ोन में एक ओटीपी आएगा, जिसको लॉगिन के समय अगर नहीं देंगे तो आपका ईमेल आईडी लॉगिन नहीं होगा। तो आप अपने जीमेल आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर रखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे पांचवा टिप, आप लॉगिन करने के लिए सिक्योरिटी की यूज़ कीजिए। USB पेन ड्राइव जैसा दिखने वाला छोटा सा एक सिक्योरिटी की आता है जिसका प्राइस मार्केट में आपको 1000 से 3000 के बीच मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये प्राइस अभी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन कल के डेट में जब आपका चैनल ग्रो करेगा ना, तो आपका यही 3000 आपके पूरे चैनल को बचा के रखेगा। तो चाहे आप छोटे यूट्यूबर हो या बड़े यूट्यूबर हो, तो आप एक सिक्योरिटी की ज़रूर खरीदिए। मैं सिक्योरिटी की के लिए एक नया वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जिसमें आपको पूरे इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा। चाहे छोटी छोटी टिप्स हो, लेकिन आपके लिए बहुत मददगार हो सकती है। आप एक प्रिकॉशन रखिए, आपके चैनल को कोई हैक नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं आपके लिए रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।